कहाँ से पूजन हुआ, खाना खाने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमको। क्या क्या कैसा लगा जो खाना खिला रहे थे, कैसा तो फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था। और हम लोग को योगी जी ने लाल लाल चुन्नी पहनाई ही, और हम लोग को बड़ी सी थाली में पैर धोया हम लोग का, और हम लोग को 10 रुपए दिए, और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। क्या नाम आपका? प्राची बजाज। आज आप मंदिर पे आए थी, क्या क्या हुआ? हम तो आज परम पूज योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अपने हाथ से पैर धोए और सैंडल लगाए, और अपने हाथ से लाल लाल चुनरी पहनाए, और अपने हाथ से भोजन खिलाए और दक्षिणा दिए। क्या नाम आपका? मानसी सिंह। के सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की हमारी सनातन संस्कृति कितनी समृद्ध है, मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव, उनके अंदर सुरक्षा का भाव जागृत हो, यह अत्यंत समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती है। और यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के कल्याण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं से संबंधित उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। वास्तव में जिस समाज में मातृशक्ति के प्रति इतना सम्मान का भाव हो, उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में या फिर समाज के अंदर हमने उन्हें इतना पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उस समाज में महिला संबंधी अपराध, उस समाज में महिलाओं के साथ बेटियों के साथ भेदभाव होना वास्तव में आध्यात्मिक शक्तियों को नकारने जैसा ही है। नवरात्र का ये पर्व वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र मास में हम लोग बासंतिक नवरात्र में भी शुक्ल पक्ष की 9 तिथियों में मातृशक्ति का पूजन और अनुष्ठान इसी प्रकार से करते हैं। 9 दिनों तक आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, और नवमी के दिन कन्या पूजन का कार्यक्रम इसी प्रकार से संपन्न होता है, और अश्विन मास में भी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में, जिन्हें हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, नवरात्रों में आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का एक कार्यक्रम इसी रूप में संपन्न होता है। और नवमी के दिन 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन, बेटियों के प्रति इस समाज के मातृशक्ति के प्रति एक समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती रही है। इस समृद्ध सनातन हिंदू धर्म की इस परंपरा को आत्मसात करने का दिन है नवरात्र का पर्व। जिस समाज में मातृशक्ति का सम्मान होगा, उनकी सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए समाज जागरूक होगा और समाज खुशहाल होगा और समाज प्रगति करेगा, विकास की बुलंदियों को छुएगा। नवरात्र का पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रतिवर्ष मुझे दोनों नवरात्रों में शक्ति स्वरूपा इन देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन करने का और उनका सत्कार करने का अवसर प्राप्त होता है, और फिर उसके अनुरूप हमें महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बहन और बेटियों की सुरक्षा के प्रति
एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। आज इस प्रकार के अनेक महिला संबंधी स्वावलंबन के कार्यक्रम, सुरक्षा से संबंधित अनेक कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है। मैं शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रत्येक प्रदेशवासी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि शारदीय नवरात्र का यह पर्व हम सबको मातृशक्ति की सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा, बिना भेदभाव के हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य कर सकें, उन्हें एक सुरक्षित माहौल दे सकें। और मुझे लगता है कि हर परिवार अगर जागरूक हो जाएगा तो महिला संबंधी अपराध स्वतः समाप्त होंगे, दहेज उत्पीड़न की घटनाएं समाप्त होंगी और बेटियों के साथ या महिलाओं के साथ होने वाले किसी प्रकार के भेदभाव से समाज मुक्ति पा पाएगा। और जिस दिन महिलाओं के प्रति या बेटियों के प्रति होने वाले किसी भेदभाव और असुरक्षा के माहौल को हम सब मिलकर के समाप्त करेंगे, उस दिन समाज न केवल सुरक्षित होगा अपितु तो समृद्धि की नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेगा। मैं शारदीय नवरात्र के अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को, पूरे प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ।